हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मारुति सुजुकी ने बलिनो का 2022 का फेसलिफ्ट मॉडल को हाल ही में लॉन्च किया था और अभी यहाँ पे टोयोटा ने 2022 के ग्लेंजा मॉडल को लॉन्च कर दिया है। सबसे पहले प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो 6.39 लाख से शुरू हो के बेस वेरियंट की प्राइस है और टॉप वेरियंट की जो प्राइस है वो 9.69 लाख तक जाती है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन की हम बात कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम बलिनो की बात करें तो बलिनो की जो प्राइस है वो 6.35 लाख एक्स शोरूम से शुरू होकर 9.49 लाख तक जाती है। तो यहाँ पे अगर हम प्राइस की बात करें तो बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक 5 से 20 हज़ार तक का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। दोनों ही कार्स ग्लेंजा और बलिनो का अगर आप ओवरऑल लुक देखेंगे तो काफ़ी आइडेंटिकल लगेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे फ्रंट पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको छोटे मोटे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले बलिनो की बात करें तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो ग्रिल का जो एलिमेंट है काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे जो क्रोम काफ़ी नीचे से जाता है ग्रिल के, और यहीं पे अगर हम ग्लेंजा की बात करें तो यहाँ पे जो क्रोम का एलिमेंट है वो ग्रिल के बीच से जा रहा है। इसके बाद फॉग लैम्प में भी आप देखेंगे तो जो क्रोम एलिमेंट्स है दोनों कार्स में काफ़ी अलग अलग हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो टोयोटा का जो फ्रंट का लुक है काफ़ी बेटर लगता है। इसके बाद पीछे की लुक की बात करें तो बलिनो का जो लुक है यहाँ पे आपको बेटर देखने के लिए मिलता है। वैसे टेल लाइट का दोनों कार्स का सेटअप लगभग आइडेंटिकल है और यहाँ पे जो है क्रोम एलिमेंट्स बलिनो में थोड़े से बेटर तरीके से यूज़ किए गए हैं। तो ओवरऑल अगर हम डिज़ाइन देखें तो पीछे से जो है बलिनो का थोड़ा सा बेटर दिखता है। और इसके बाद हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो दोनों कार्स का जो डिज़ाइन है बिल्कुल सिमिलर है। इसके बाद इंजन की बात करें तो ग्लेंजा में भी बलिनो की तरह 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, पेट्रोल इंजन मिल जाता है। इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 89 PS की और मैक्सिमम टॉर्क 130 न्यूटन मीटर्स का है। इस कार में आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ ही साथ दोनों कार्स का जो इंटीरियर है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है और दोनों कार्स का, जैसे कि आपको पता है कि वेट मारुति सुजुकी गाड़ी का कम रहता है, तो अभी जो है इन दोनों कार्स का वेट 70 kg से बढ़ा दिया गया है। तो हो सकता है कि सेफ्टी रेटिंग थोड़ी इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिले। बाकी फीचर्स की बात करें तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। इन दोनों कार्स में आपको 360 डिग्री का कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिल जाती है, वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, 9 इंच का टच स्क्रीन देखने के लिए मिलता है, हेडअप डिस्प्ले मिल जाता है, रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, अप टू 6 एयरबैग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। तो दोनों कार्स में काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद माइलेज की बात कर ले तो दोनों कार्स ग्लेंजा और बलिनो सिमिलर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, तो यहाँ पे आप ग्लेंजा से भी अराउंड 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज बोथ AMT एंड मैनुअल ट्रांसमिशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वेरिएंट्स की बात कर ले तो आपको दोनों कार्स के मैनुअल ट्रांसमिशन में 4 वेरिएंट्स देखने के लिए मिलेंगे और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 3 वेरिएंट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं बलिनो की जो प्राइसिंग है वो 6.35 लाख बेस मॉडल सिग्मा मॉडल से शुरू होती है और अल्फा जो टॉप मॉडल है उसकी प्राइस 8.99 लाख तक जाती है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइसिंग है। इसके बाद ग्लेंजा की बात करें तो यहाँ पे बेस वेरिएंट ई, इसकी प्राइस है 6.39 लाख एक्स शोरूम और जो टॉप वेरिएंट है वी, इसकी प्राइस है 9.19 लाख एक्स शोरूम। AMT की बात करें तो बलिनो में 7.69 लाख से डेल्टा वेरिएंट की प्राइस शुरू आती है और अल्फा जो टॉप वेरिएंट है उसकी प्राइस 9.49 लाख एक्स शोरूम जाती है। और टोयोटा की बात करें तो यहाँ पे जो एस वेरिएंट है इसकी प्राइस 7.79 लाख एक्स शोरूम से शुरू होती है और वी वाले वेरिएंट टॉप वेरिएंट की जो AMT की प्राइस है वो 9.69 लाख एक्स शोरूम जाती है। तो यही सब ग्लेंजा और बलिनो पर एक कंपैरिजन वीडियो था। तो मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। थैंक यू।